Welcome to Zee Rishte Awards नाच गाना हंगामा टैलेंट महोत्सव. जी कर रहा है 30 साल सेलिब्रेट और आज हम कर रहे हैं टैलेंट सेलिब्रेट इन टैलेंट महोत्सव. जोरदार ताली हो जाए. वैसे भी जहाँ टैलेंट होता है वहाँ सब कुछ वैसे भी स्पेशल ही हो जाता है. अब मेरे अंदर भी इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, बस इतना बारीक कूट दिया है कि कभी कभी लोगों को दिखाई नहीं देता. खैर, हर किसी का अपना अपना टैलेंट होता है. लड़कों का टैलेंट होता है कि वो 2 घंटे में लगातार एक ही टॉपिक पर बात कर सकते हैं और लड़कियों का टैलेंट ये होता है कि उन्हें 2 घंटे बात करने के लिए किसी भी टॉपिक की जरूरत नहीं होती. और आज जी टीवी दे रहा है जी के ही कुटुंब मेंबर्स को अपना प्राइसलेस टैलेंट दिखाने का मौका. भैया टैलेंट एपिसोड है तो जज की भी जरूरत होगी ही, तो बुलाते हैं आज के पहले जज को उनके स्टाइल में कि काली पीली को कहते हैं टैक्सी और ऑटो रिक्शा को कहते हैं रिक. वाह वाह, कौन मेरा चाचा बोलेगा. वाह, काली पीली को कहते हैं टैक्सी और ऑटो रिक्शा को कहते हैं रिक. ना हुआ था, ना है और ना होगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन एंड ओनली अनु मलिक. अनु मलिक, अनु मलिक. आंख लड़ा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा. एक बार से दिल नहीं लगता, मुड़ के देख मुझे दोबारा. चलती है क्या 9 से 12? क्या बात है, जोरदार ताला हो जाए अनु मलिक के लिए. वेल, अब जो हमारी नेक्स्ट जज आने वाली है वो जितना हंसती है उससे ज्यादा हंसाती है. ऐसा कोई चैनल नहीं जिसने इसके नाम का चेक ना फाड़ा हो. प्लीज वेलकम द कॉमेडी क्वीन. अरे नाम ही नहीं लिखा. अरे नाम तो बताओ, कौन है? वेलकम लाखों दिलों की धड़कन, जवान दिलों की मुस्कुराहट, हॉट एंड सिजलिंग, वन एंड ओनली सुपरस्टार भारती सिंह. सॉरी, क्या तू यहाँ क्या कर रही है? तू क्या होता है? मैं अब एक जज हूँ और जय अब तू नहीं, आप, मैम, मालकिन, मेम साहब, ऐसे करके तू नहीं कहना, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है. आप कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ उस सीट पर जाके प्लीज बैठेंगी. तो यही चीज दांत पीसे भी ना बोलोगे तो ज्यादा अच्छा आएगा. दोबारा प्यार से बोलो जरा. आप प्लीज उस सीट पे बैठेंगी. थैंक यू. जोक्स अपार्ट, भारती है टैलेंटेड एंड यू नो वेरी हैप्पी कि आज वो मेरे सामने बैठी है और आज से बैठने के पैसे लेगी. जोरदार तालियां हो जाए. अनु और भारती जिस सीट पर बैठे हो उसकी टीआरपी जबरदस्त होने वाली. हाय हाय, बस आ जाए अब. तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे पहले परफॉर्मेंस की ओर. आ रही है वो जो मोहन का दामन छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मोहन की मरी हुई बीवी उनसे उनका दामन छुड़वा रही है. प्यार के लिए इंसान से नहीं भूतों तक से लड़ रही है. सो प्लीज वेलकम दामिनी. जोरदार ताली हो जाए. Oh,
यार मुझे सच्ची सच्ची बताओ, ये आपने गाया है? हाँ, मैंने गाया है। अनु जी, मतलब इतना ऐसा लग रहा था, एकदम मतलब धमाल था यार। मुझे लगता है आपको सिंगिंग करियर में भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं एक्चुअली पहले सिंगर बनना था, फिर मुझे लेक्चरर बनना था, फिर मैं सिंगर लेक्चरर से बनते बनते एक्टर बन गई। कानों को ना सुर बैठ गए। बैठ गए। थैंक यू सर। एक एक जगह पर आपने इतनी अच्छी एक्सप्रेशन दिया है। यू नो, अ प्रॉपर सिंगर इज वन जो अपने शब्द को समझे कि आप अगर डार्लिंग अगर आप बोल रही तो मतलब लग रहा था। सो ऑब्वियसली मैं अपने अंदाज में एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम एक्टर भी हो, सिंगर भी हो, ड्रीमर भी हो, आंखों में कितने सपने लाई हो, इतना अच्छा गाया तुम्हें, तुम इस महफिल में छाई हो। क्या बात है, क्या बात है यार। वेरी इंप्रेस्ड, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट टू मी। मुझे लगा था कि उन्होंने बहुत अच्छा गाया तो आप कुछ लंबा बोलेंगे। जब कोई कमाल का आर्टिस्ट आता है ना सामने, तो छोटी बात बड़ी बात हो जाती है। क्या बात कही है सर। और आपने कमाल किया। थैंक यू सर। मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छा गाती है, आप मुंबई आ सकती है। अगर वीर इसके अवार्ड में इस लड़की को अवार्ड नहीं दिया ना, तो फिर आपकी मर्जी है, हम थोड़ी कुछ कह सकते। Fantastic, यार, एक बार जोरदार ताली हो जाए। Thank you so much, please take a seat. जी रिश्ते अवार्ड्स का फन हो गया है शुरू। आपके चहेते टीवी स्टार्स के साथ नाच गाना और हंगामा भरा ये एपिसोड आप देख सकते हैं कभी भी कहीं भी, ओनली ऑन Z5। और ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। सो अभी Z5 ऐप डाउनलोड करें। बढ़ते हैं आगे। टैलेंट महोत्सव हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बीच बीच में मैं भी अपना टैलेंट दिखाते रहूंगा। और हो सकता है कि शादीशुदा लोग इस एक्ट को देखते हुए अपने ससुराल को, अपनी बीवी को बहुत ज्यादा मिस करने लगे। नमस्कार, मेरा नाम गोपाल है और स्वागत है आपका हो 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 न्यूज में। आज मैं यहां पर आप सबके सामने एक जानी मानी चुड़ैल का इंटरव्यू लेने वाला हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग डरे हुए होंगे, लेकिन थोड़ा सा डरा हुआ मैं भी हूं। बॉडी कंफ्यूज हो गई है कि गला सूखे या फिर ये पैंट जो गीली हो रही है उसे बचाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। बट हम शुरुआत करेंगे और मैं इंटरव्यू अच्छे से करूंगा। मैं अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन महसूस करता हूं। मैं हॉरर फिल्म भी ना लाइट बंद करके देखता हूं। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती बंद होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई पीछे खड़ा हुआ है। hey!
इसका एक भी वंश फूट नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको लाफ्टर दे रही हूँ। देखिए, आप खुद इतनी बड़ी चड़ैल है, आपको जी टीवी इतना पसंद है, लेकिन आप टीवी देखती कहाँ हैं? हमारे कब्रिस्तान में ना भूतिया का सेटअप बॉक्स है, उसे कहते हैं भूतिया कॉन। क्या बात है? और मैं जी टीवी की बहुत बड़ी फैन हूँ, यहाँ तक कि मेरे दादाजी जो है वो जी हॉरर शो में भूत बन के आया करते थे। अरे, अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, आपके फेवरेट किरदार के बारे में जानते हैं, आपका फेवरेट कैरेक्टर। मुझे है ना शर्लिन बड़ी पसंद है, लेकिन यार जब से वो चौल में गई है ना, वहीं की होके रह गई है। मैंने कल इससे कहा रोटी खा ले, कहती नहीं दाल चौल खाऊंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ना, ये जो शर्लिन है, ये पृथ्वी को इतनी घास क्यों डालती है? हमें समझाया जाता ना बचपन से कि हमें पृथ्वी को हरा भरा रखना चाहिए, लेकिन उसके बच्चे उसे क्या बुलाएंगे? वो बाप है ना। हाँ? तो बच्चे उसे पापा ही बुलाएंगे। उसी बचपन में ये भी तो सिखाया गया था कि पृथ्वी हमारी माँ है। पर मैं अपनी बहन मलिष्का से बड़ी खुश हूँ। अब मलिष्का आपकी बहन कैसे हो गई? वो लक्ष्मी उसे कहती रहती है ना, चुड़ैल की बहन, चुड़ैल की बहन। जी, आपकी खूबसूरती का राज तो मैं जान गया, आपकी खुशबू भी, वो डेली सोप वाली, लेकिन ये जो सर के बाल है ये किसके है? किसके? भूतनी के। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं श्राप देती हूँ तुझे। 2022 के संजोग में ये भूतनी तुझे तेरी बीवी के रूप में मिलेगी। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 हाँ। नहीं हाँ। नहीं हाँ। नहीं हाँ। नहीं। वाव, जोरदार ताली हो जाए गोपाल एंड गौरी के लिए। यार रिपोर्टर भी है, चुड़ैल भी है, और पीछे है कब्रिस्तान। अन्नू मलिक खुश हो गया, मगाओ मगाई का पान। पास ये रिश्ते अवार्ड्स, आई लव यू ऑल, फैंटास्टिक यार। हे भगवान, जितनी ऑडियंस में नजर दौड़ाते जा रहा हूँ, वैम्स ही वैम्स मुझे नजर आ रही है आज तो भैया। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज इतने सारे जब वैम्स यहाँ पर आ ही गए हैं, आज यहाँ पर एक चुड़ैल वाला यू नो हंसी वाली एक कॉम्पिटिशन होगी। आ जाइए आ जाइए, चुड़ैल का चुड़ैल और लड़की का लड़की हो जाए यार। तो देखिए, ये चुड़ैल बनी थी तो शुरुआत यहाँ से करेंगे, तो एकदम चुड़ैल वाली हंसी शुरू कर दीजिए। एक सेकेंड, मैंने यमराज की नहीं बोली थी मैंने? यार चुड़ैल कम होती है क्या यमराज से? आइए शर्लिन, आपको ऐसा लगा कि आप मेरे पीछे छुपी रहेंगी तो हम आपको पकड़ेंगे नहीं? जय जय, हाथ तो छोड़। अरे इधर तो कर सकता हूँ ना? कहीं नहीं कर सकता, माही देख ऊपर। किधर? कुत्ते की पूंछ गाड़ी के नीचे आ गई है। नेक्स्ट आप। मैं ना अपने शो में औरतों का मर्डर करके उनको चुड़ैल बनाती हूँ। तो मतलब आप तो चुड़ैलों की चुड़ैल हुई, तो फिर मतलब इनका चुड़ैले बनाने का प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन हाउस है। सो अगर इतने चुड़ैले हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है हंस के, तो मैं चुड़ैलों के एंट्री पे जो BGM होती है वो दे सकती हूँ। कौन सा शो है ये? अवार्ड है ना? क्या बात है, अन्नू जी के लिए जोरदार ताले हो जाए यार। Fantastic, यार, एक बार जोरदार ताले हो जाए। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक अ सीट, थैंक यू।
कहते हैं कि हर इंसान जिंदगी में सीनियर बनना चाहता है, लेकिन सीनियर सिटीजन कोई नहीं बनना चाहता। अनुभव से भरी इस उम्र पर जब एनर्जी भर जाती है तो फिर उम्र नहीं दिखती, सिर्फ मस्ती ही मस्ती दिखती है। सो प्लीज वेलकम नीलम जी, वीरेंद्र जी, राजवर्धन जी एंड बबीता जी। जोरदार ताली हो जाए। हम तो आ गए भाई साहब, ये लड़के किधर चली गई? आंखों में गुस्सा है, लबों पे गाली है। देखो जरा देखो यार, खुद को समझती है क्या? But she's your best friend, yeah? ये कैसा लड़का है? ये कैसी लड़की है? ये लड़ता है, अकड़ती है, झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है। नादानियाँ क्यों पूछो तो आए, कभी ये हमसे लड़ता है, कभी झगड़ता है, कोई पास इसके ना आना। ये लड़का है दीवाना, है दीवाना, दीवाना, दीवाना। ये लड़की है दीवानी, है दीवानी। मैं एक चीज आप सबसे जानना चाहूंगा कि अगर समझो आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कौन जाता होगा? नहीं, सवाल है भाई। हम प्रॉक्सी में चले जाते खुद। प्रॉक्सी में ही चले जाते हैं। वैसे एक्चुअली इन सब में मैं जाता हूँ। अच्छा, इन सब के लिए? इन सब के लिए आप जाते हैं। एज के हिसाब से ये बार बार ये भी मुझे जताते रहते हैं कि तू एज है तेरी, ये भी बताते थे मेरी बीवी। मुझे लगता है जब सीनियर हो जाए ना तभी स्कूल में जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई की पढ़ाई भी चलती रहेगी और पेंशन भी साथ में मिलती रहेगी। ये ऐसा करके तुमने भी बोल दिया सीनियर। लेकिन लक्ष्मी जी बहुत एंजॉय कर रही थी आप नीलम जी को यू नो परफॉर्म करते हुए देखकर, कैसा लगा आपको, प्लीज बताइए ना। मैं बाऊजी को देख के तो बहुत ऐसे इमोशनल हो जाती हूँ। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि वो खड़े होकर ऐसे डांस भी कर लेते, तो मैं एक्चुअली उनसे नजर नहीं हट रही थी। सॉरी 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 मम्मी जी। बाऊजी मतलब हैट्स ऑफ। ये राजवर्धन जी बड़े छुपे रुस्तम हैं, नाम में ही सिर्फ राज नहीं है, क्या कहते हैं, उन्होंने एक ऐसा राज, एक ऐसा टैलेंट है इनका जो राज की तरह छुपा के रखा है। ये गाते बहुत अच्छा है
और आज अन्नू मलिक जी सामने हैं। कमान राज भाई, कमान राज भाई। देखा ना है सोचा ना है दे रख भी निशाने पे जा कदमों में जी। जब मैं आई थी बॉम्बे आप तब भी उतने ही गोरे थे और आज भी उतने ही हो, है ना? मतलब सूरज जी तो अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी थिएटर में चोरी चोरी फिल्म देखने जाते होंगे ना तो पकड़े जाते होंगे, क्योंकि इतने गोरे ऐसे लगता होगा ट्यूबलाइट लेके बैठे हैं, इतनी रोशनी आपकी होती है। लेकिन माइंड ब्लोइंग, आपने बहुत अच्छा गाया सूरज जी, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार जोरदार ताला हो जाए राजवर्धन जी के लिए। All right, तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मेंस की ओर। रणबीर जो हमारे हैं उनके अंदर सिर्फ लड़कियों को फंसाने का टैलेंट ही नहीं है बल्कि एक और कमाल का टैलेंट है और वो है लोगों को हंसाने का। हाँ, तो जो भारती के पेट पे लात मारने की तैयारी में है उसको यहाँ पर बुला ही लेते हैं। जोरदार ताले हो जाए रणबीर के लिए। सो हाय गाइस, नमस्ते सबको, मेरी तरफ से प्रणाम। और मेरा नाम रणबीर कोहली है एंड नो आई एम नॉट अ क्रिकेटर, बल्कि मैं इकलौता ऐसा रणबीर हूं जिसकी बुआ का नाम आलिया है। अनु मलिक जी, आप अक्सर कहते हैं ना अगला आदि अगला आदि अगला आदि अगला आदि, तो मैंने आपकी बात को बहुत सीरियसली ले लिया। मैंने ना सही में आग ही लगा दी, पता है कहाँ? अपनी गृहस्थी में ऐसी आग लगाई कि बुझी नहीं रही है अब सर वो। मैं अपनी आग बुझाने, अपनी नहीं सॉरी, अपने घर की आग बुझाने के लिए कुछ एक्टर्स के पास गया। मैंने उनको कहा, सर आपका कद इतना लंबा है, आपकी बातें इतनी अच्छी हैं, मैं आपसे एक एडवाइस देना चाहूँगा कि मेरी परेशानी है बीवी के साथ, मैं बीवी के साथ कैसे अपनी परेशानी को हैंडल करूँ। तो वो कहते हैं, लॉक कर दिया जाए। सर पर बीवियों को लॉक कैसे कर दूँ, दो दो बीवियाँ हैं, कुत्ता थोड़ी लॉक करके छोड़ दूँ। तो यहाँ पे तो कुछ दाल मेरी गली नहीं। तो उसके बाद मैं गया दूसरे बहुत ही महान दिग्गज इंसान के पास, ये रोमांस के मामले में बहुत आगे। तो मैं इनके पास जाता हूँ और उनको कहता हूँ, सर देखिए ऐसा है कि मेरी ना दो दो बीवियाँ हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे प्लीज़ सोल्यूशन दे दीजिए कि मैं क्या करूँ। तो वो कहते हैं, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार करते हैं और शादी भी एक ही बार करते हैं। पटेक सिंह, आपने इस पिक्चर में खुद दो बार शादी नहीं करी थी? चुप, तुम मुझे बताओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ? हाँ तुम बहुत बड़े होते हो, हाँ कल के लड़के आए हुए, मुझे बताओगे मैं एक शादी करूँ, दो शादी करूँ, तीन शादी करूँ, पांच शादी करूँ, कितनी भी करूँ, तुम्हारी क्या? हाँ मेरी एक्टिंग कर करके इतने बड़े स्टार बन रहे हो, तुम निकलो यहाँ से। उसके बाद मैं लास्ट होप मेरी एक बाकी रह गई थी, उनके पास गया मैं। तो उनके पास पहुंचा, मैंने बोला, सर देखिए ऐसा है कि क्या आप मुझे मेरी रिलेशनशिप की एडवाइस देंगे? और आयरॉनिकली उन्होंने पता क्या कहा, ना 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 ना। मैंने कहा, सर आप तो बहुत बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। फिर वो मुझे कहते हैं कि, रणबीर
तुम मेरी पिक्चर सॉरी ये तो तीनों मिक्स हो गए। रणवीर तुम मेरी पिक्चर में काम करोगे क्या? तुम मेरे लिए गाना गाओगे मेरा प्लीज? आपको पता है मैंने क्या बोला? ना 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 जोरदार ताला हो जाए यार, फैंटास्टिक है रणवीर। थैंक यू। स्टैंड अप कॉमेडी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब एंड इट वाज फैंटास्टिक एंड बेयरिंग योर हार्ट आउट कि तुम क्या हो, तुम्हारी जिंदगी क्या है, इज अ बिग थिंग। थैंक यू सर। कमाल है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मींस अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। ऑल द बेस्ट रणवीर। थैंक यू सो मच। जोरदार ताले हो जाए रणवीर के लिए। और आगे बढ़ने से पहले आलिया। सो आलिया, वैसे तो मैंने देखा है कि तुम्हारे कई सारे टैलेंट है, काफी झगड़े लगाते रहती हो, लेकिन आज ये टैलेंट महोत्सव में आप क्या टैलेंट पेश करने वाली हो? वैसे तो हमारा काम है दूसरों को नचाना, लेकिन आज हम यहाँ पर नाचने वाले हैं। अरे वाह, तो अपने तेवर दिखाने वाली अपना टैलेंट दिखाने आ रही है। प्लीज वेलकम शर्लिन एंड आलिया। तुम दोनों ने इतना कमाल और धमाल किया इस मंच पर, सब यहां कह रहे हैं आओ ना हमारे साथ लंच पर। मीतमाल में इससे पहले वाले परफॉर्मेंसेस में एकदम सीधा बैठा हुआ था, पता नहीं धीरे धीरे इस एक्ट में चल रही है ना, एकदम झुक कर एकदम क्या हुआ? मैंने तो इसकी आवाज भी सुनी थी भाई, जैसे आलिया लेटी के अंदर। नाइस। ये था मम्मी पापा पीछे बैठे हुए हैं तो मैंने कहा ऐसे ही जो भी है। कैसे ये बात, तो दोनों बड़ी हॉट लग रही थी यार, मैंने सारे लड़कों को मुंह देखे ऐसे। वो बैठे पापा जी पीछे। जैसे बेटे ने कहा था नाइस, पापा ने कहा उहू। उधर से भी किसी आई थी, आप दोनों में से किसकी थी वो? दोनों की। अच्छा तभी कहो ग्रुप में थी।
देखिए अभी आपने मजेदार परफॉर्मेंस तो देख लिया, अब जब तक मूड खराब ना हो तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। अब सोचो इसी परफॉर्मेंस में भारती मूड खराब, भारती नाचेगी तो मूड खराब। ओ कमाल भारती, हाँ चलो कमाल। एक बार जोरदार ताली। वैसे आज ऋषभ और पृथ्वी को साथ में देखकर सच बताऊं तो बड़ा अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि एक एकदम विलन है तो दूसरा एकदम संस्कारी लड़का। मैं जानना चाहता हूं कि आज आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि भैया साथ में आप परफॉर्म करेंगे और क्या करेंगे? जी के मंच पे कुछ भी एक्सपेक्टेड तो हो नहीं रहा। हाँ जी, जो सोचा था उससे कई गुना प्लस हो रहा है। हमने सोचा हम भी कुछ अनएक्सपेक्टेड करते हैं। आहा, तो हमने सोचा चलो यार आओ दुश्मनी बुलाते हैं, दोस्ती के हाथ में लाते हैं, चलो डांस वांस करते हैं कुछ। जो अब
साथ है, जोरदार तालियां हो जाए, बड़ा परफॉर्मेंस मैन। चाहे कोई कितना भी बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर हो, बहुत सारे अवार्ड जीते हो, लेकिन बोलूंगी तो पहले मैं ही। बोलो। मैं जा रही हूँ अनु जी, आपको मौका नहीं मिलेगा। आप जाइए। थोड़ी सी धूम के आप मेरे साथ मचाएंगे, क्योंकि आज पति भी नहीं है और आप लोग बड़े हैंडसम भी लग रहे हो। यार पति ना हो तो बड़ा ही मजा आता है। ये काट देना, ये पर्सनली जी से मेरी रिक्वेस्ट है, ये वाले सारे काट देना, बस डांस रखना। ठीक हो तुम? हैं? ठीक है, अच्छा था ना आंटी? आंटी अच्छा था ना? अनु जी, दो हीरो और एक हीरोइन, इसे कहते हैं रियल फिल्मी सीन। अनु सर, दोनों लड़कों ने आग लगा दी यार। पहले बड़ों ने डांस किया, मेरी नजर तो सर आप पे ही थी, और आपकी इतनी हॉट बीवी। जब ये हॉट बीवी सर आप देखते हैं, शूटिंग पे जाते हैं, जब घर अपनी बारी देखते हैं, तो फिर कहाँ दिल लगता है ज्यादा सर आपका? जब से शो शुरू हुआ है भाग्यलक्ष्मी, तो वो पूना रहती, मैं बम्बई रहता हूँ, सेपरेट रहने लगे। सर वो पूना और आप इधर चूना। प्यार कम नहीं होता पर दूर से। प्यार कभी कम नहीं होता, ये मुंबई और पुणे के बीच में हर कोई अपना लोनावला ढूंढता ही ढूंढता है। आप लड़के लोग ये बोलते हो बार बार कि हम वहां जाएंगे, यहाँ किसी दिन हम मालदीव्स चली गई ना लड़कियां। फिर हर आइलैंड में देखते रहोगे कहाँ गई बीवियां। आपको बता दो, अगर तुम्हारा मालदीव्स इतना पास में ना, तो हमारा थाईलैंड भी कहीं कम नहीं है। तो तुम ये मत सोचो कि रशिया से लड़के नहीं आते। अनु जी ने कहा मुझे कि भारतीय अपने बेटे की बर्थडे पार्टी पे रशियन डांसर नहीं, रशियन लड़के नाचेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऋषभ यार बड़ा एकदम टैलेंटेड लड़का है यार। आपको बता दूं कि यार ये सब डांसिंग तो अच्छा करता ही है, लेकिन साथ ही साथ रैप आप बड़े कमाल के करते हैं। सब लोग शेयर करेंगे ऋषभ के लिए यार। ऋषभ 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 ऋषभ। 9 July 2007 when I started my journey. Chalo bire kech de aaj phir wo din yaad aaya jab Delhi se Mumbai aaya punar ko pehchi me rakh ke apne sapne saath laya. Main bhi wo ek ladka tha jo Mumbai se thoda darta tha, par tha junoon meri aankhon mein mujhko bhi aage badhna. शाम की सुबह होती है, मैंने जाग के तब भी काम किया जब सारी दुनिया सोती है। अब अपना थोड़ा नाम है पर सफर अभी भी जारी है, पहले थोड़ा कमजोर था अब अपना पलड़ा भारी है। जिसने देखा काम मेरा कहा लंबी का घोड़ा है, मुस्कुरा रही मम्मी मेरी, पापा का सीना चौड़ा है। आज फिर वो दिन याद आया जब दिल्ली से मुंबई आया, हुनर को पैची में रख के अपने सपने साथ लाया। आज फिर वो दिन, आज फिर वो दिन। चला वाओ यार,
Fantastic, Rishabh. गजब टैलेंट है यार. अभी तक की पूरी जर्नी को आपने इस रैप में यू नो पिरोया है. जी जी. अपनी जर्नी के बारे में और आपका जी के साथ जो ये रिश्ता है उसके बारे में प्लीज जरा बताइए. मैं जो भी हूँ आज इस मंच पे खड़ा हूँ सच मायनों में पूरे दिल से इसमें जी का बहुत बड़ा रोल है. मतलब मुझे लगता है 2018 में जब कुंडली मुझे मिला इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माई करियर. इतने सालों से जो क्राफ्ट बनाई थी एक्टिंग स्कूल गए वहाँ पे काम किया उसको एम्प्लॉय करने का मौका मुझे कुंडली में मिला जी ने दिया. जी में सबसे पहले करोल बाग किया फिर राम मिलाई किया फिर ये किया तो बहुत लंबा जर्नी रहा. जी के साथ एक परिवार वाला रिश्ता जुड़ा. तो ये जी के लिए फैंटास्टिक यार ऋषभ. इट वाज अ माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस. एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज टेक अ सीट. ऑलराइट बढ़ते हैं आगे. लेकिन एक मिनट सब रुक जाइए एक सेकंड. थोड़े से मुझे लक्ष्मी से बात करनी है तो फिर प्लीज वेलकम लक्ष्मी. जोरदार तालियां हो जाए. अनु जी आपको बताना चाहूंगा भारती तो जानती है लेकिन यू नो ये जो आप काली साड़ी में ये जो औरत देख रही है ये इनकी सास है. अच्छा. ये परेशान करके रख देती है जहाँ जाओ इतने ताने मारती है. लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर समझो ऐसे माहौल ऐसा है कि यू नो वो नहीं ताने मार पाती तो कैसे ताने मारती है फिर ये. फिर हंस के ताने मारती है. एक बार आप करके दिखाइए अगर सच्ची में अगर समझो ताने मारना हो तो कैसे मारते हैं आप. कुलक्षिणी कलंकिनी जब से हमारे घर से आई है कलेश फैला दिया है. कुछ भी शुभ हुआ ही नहीं है. जिस दिन से इसके ये बेहुदा कदम हमारे घर में पड़े हैं सब बर्बाद कर दिया है. और आपकी वजह से ये हमारे इस घर में आए हैं. घूम फिर के सब कुछ इनकी वजह से होता है. ओहो हो. अभी एक काम करिए नीलम जी आप इधर आ जाइए. जब भी आप ताना देना चाहते हैं भरी सभा में तो किसी को पता नहीं होना चाहिए और मैसेज पहुंच देना चाहिए. वो होता है गाने. तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ गानों के जरिए आपको एक दूसरे को ताने देने हैं. तो ये ताने देगी मुझे? बिल्कुल नहीं. अरे गाने के जरिए आप जब गाएंगी तो आपको इन प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है. तो चलिए फिर इन 3, 2, 1 गो. Yeah.
ये जो रिश्ते हैं दिल की नजर से दिखते हैं, ये जो रिश्ते हैं दिल की नजर से दिखते हैं, महसूस करो इनको तो जिंदगी जैसे लगते हैं, ये रिश्ते ही आँखों में सोते और जगते हैं, आओ जिए इन्हें मिलके, आओ जिए।